तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था उस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो सेम रहता है, रेजिस्टेंसेस अलग अलग होते हैं और इसी के बिना पे हमारा जब करंट और रेजिस्टेंस, करंट सेम रहता है, रेजिस्टेंस अलग होते हैं और आपके पोटेंशियल भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमारा बना था टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का। अब मैं मान लेता हूं मेरे घर से पहले एक मेन लाइन आ रही है इस तरीके की, ठीक है, और तीन फ्लोर्स हैं एक घर के अंदर, तीनों में ये मेन लाइन क्या जा रही है, बट रही है, क्लियर है। फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या लगा रखा है, एक फ्रिज लगा रखा है, सेकेंड फ्लोर पे हमने में भी एक बल्ब लगा रखा है और थर्ड फ्लोर पे एयर कंडीशनर। ये पहले वाले की तरह ही बनाया हुआ है मैंने, पहले मैंने सीरीज में सारा कुछ लगाया था, सीरीज में पहले एक फ्रिज था, फिर एक एयर कंडीशनर था और फिर एक बल्ब था, इसके अंदर अलग अलग फ्लोर्स पे है, क्लियर है। तो जो मेन लाइन आई मेरी इधर से आई करंट आया तो वो तीनों फ्लोर में अलग अलग बट गया, यहाँ पे I1 हो गया, वो इधर I2 हो गया और इधर I3 हो गया, तो करंट डिवीजन होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि करंट सेम नहीं रहता, बट जो सीरीज है उसके अंदर जो करंट होता है दैट रिमेन्स सेम, क्लियर है। इसी वजह से अगर हम उसके अंदर कोई बड़ा रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज के अंदर तो वो चलता नहीं है या पूरा का पूरा सर्किट फेल कर जाता है, फट पीछे से ही मेन स्विच बस्ट कर जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, हमने एक आई करंट लगाया जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब जो इससे इससे और इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब वो जब बटेगा तो आपका पीछे का जो मेन होगा वो सेफ रहेगा, क्लियर है। अब ये बल्ब है, इधर से करंट निकला, इधर से निकला और आगे आके तीनों जुड़ गए और इधर से वापस क्या निकल गया, आई। तो यहां से क्या आ रहा था, I1, फिर दोबारा I2, इधर से आया I3, जंक्शन बनी और इधर से निकल गया आई, क्लियर है गाइस, श्योर। तो यहाँ पे अब करंट अलग अलग हो रहा है, बट इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ क्लास के अंदर कि मान लेते हैं घर है हमारा, घर के अंदर एक छोटा बच्चा रहता है 2 साल का, एक नॉर्मल 5-7 साल का और एक 10 साल का, ठीक है। छोटा बच्चा जो है वो पूरे दिन में एक बॉटल पानी पीता है, 2 साल का बच्चा एक दिन में 2 बॉटल्स पी लेता है और जो 10 साल का बच्चा है वो एक दो लीटर पानी दिन में पी जाता है, माने 5 बॉटल्स पानी पी जाता है। मगर उसके घर के अंदर एक बॉटल पानी आया, बड़ी बॉटल जो होती है उसको उल्टा करके रखा, किसी को भी उसकी मम्मी ने फोर्स नहीं किया, सब बच्चों को जितना पानी पीना था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अपने आप में कर लिया, क्लियर है। तो पीछे जो पानी थी, जो बड़ी बॉटल पानी था वो सबके लिए सेम था, छोटा बच्चा भी उसी में से पी रहा है, मीडियम और बड़ा, सारे के सारे बच्चे सेम बॉटल से पी रहे हैं, क्लियर हुआ। तो इस केस में अगर मैं आपको पानी बोलूं तो पानी क्या हो गया, पोटेंशियल, क्लियर है। पोटेंशियल जो पीछे से आ रहा है या जो पोटेंशियल है इस पूरे सिनेरियो में क्या सेम रहेगा, आपका पूरे सिनेरियो में पोटेंशियल सेम रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने पोटेंशियल के बारे में बात कर ली है तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पोटेंशियल सेम है। अब इसने अपनी मर्जी से पोटेंशियल ले लिया, पोटेंशियल तो सेम मिला, इसने अपनी मर्जी का करंट ले लिया उस पोटेंशियल में से, सबने अपने अपने हिसाब का पानी पिया था सब बच्चों ने, तो मतलब फर्स्ट बच्चे ने अपने हिसाब का करंट ले लिया, सेकंड ने अपने, थर्ड ने अपने, क्लियर है। तो इन सबको टोटल पोटेंशियल मान लेते हैं कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट्स मिल रहा है। ये 5 वोल्ट्स का है, कोई दूसरा ज्यादा हो सकता है, कोई तीसरा कम हो सकता है, उन्होंने अपने अपने हिसाब का करंट सेम पोटेंशियल से ले लिया। मैंने आपको बताया था कि जितना हाई पोटेंशियल होता है उतना हाई क्या होता है, करंट होता है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ पढ़ा चुका हूं मैं। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से जितना करंट उसमें से गेन करना था सबने करा, तो क्या चीज सेम रही इस केस के अंदर, हमारे पास पोटेंशियल सेम था और पहले वाले सीरीज में क्या सेम था, करंट सेम था, क्लियर है गाइस। तो करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पोटेंशियल कितना था इसका, V, क्योंकि पीछे से हमारा कितना पोटेंशियल आ रहा है, V आ रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस हर बार में सेम रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, R1, R2, maybe R3, क्लियर है गाइस। तो अब दोबारा से जो चीज हमारी सेम है उसको तो अलग लेके चलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम, I टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का फॉर्मूला क्या बैठता है हमारा, V/R, ये तो I टोटल है तो R भी टोटल होगा, इज इक्वल टू I1 क्या होगा, V1
वी अपॉन आर वन। अब मैंने वी सेम क्यों रखा है, क्योंकि मैंने बता दिया इस केस में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो वी अपॉन आर वन, वी अपॉन आर टू, वी अपॉन आर थ्री, वी को कॉमन ले लिया, वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वी कॉमन, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू और वन अपॉन आर थ्री। क्लियर है गाइस, वी से वी कट गया तो मेरी रेजिस्टेंस क्या आ गई, वन अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये आ गया मेरा, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो किसी पैरेलल सर्किट के अंदर, मान लेते हैं आपके रेजिस्टेंसेस पहले से ही दे रखे हैं, एक वन दिया, एक टू दिया, एक थ्री दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस किस में नापते हैं, ओम्स के अंदर। तो ये वन अपॉन वन ओम हो गया, ये वन अपॉन टू ओम हो गया, ये वन अपॉन थ्री ओम हो गया, ये आ गया मेरा वन अपॉन आर टी। तो क्या बैठेगा मेरा, टोटल करूंगा तो सिक्स बैठेगा, सिक्स प्लस थ्री प्लस टू, नाइन टेन इलेवन अपॉन सिक्स ओम, मगर ये वन अपॉन आर टी है, आर टी निकालना होगा तो क्या होगा, सिक्स अपॉन इलेवन ओम। क्लियर है, तो हमें यहाँ पे लास्ट में रेसिप्रोकेट भी करना है। इसके ऊपर आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो अब हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करता है, तो उसकी जो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर वो रेजिस्टेंस करता है किसके प्रति, करंट के प्रति, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज्यादा वो जो हमारा रेजिस्टर है वो क्या होता है, हीट होने लगता है। कोई भी रेजिस्टर हो, चाहे वो वायर हो, चाहे हमारे अप्लायंसेस हो, एसी, कूलर, टीवी वगैरह कुछ भी, वो सारे के सारे क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली हीट होते हैं। क्लियर है। अब वो उनकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल जिससे वो बना है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि हमारा जो एसी होता है, अगर वो 5-स्टार रेटिंग का होता है तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि उसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जिससे वो बना होता है वो अच्छे होते हैं। मैक्सिमम उसके अंदर कॉपर का यूज होता है, कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आराम से होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आराम से हो रहा है तो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे वर्कडन भी ज्यादा होगा। तो जब वर्कडन ज्यादा होगा एक उसी सेम इलेक्ट्रिसिटी में वर्कडन अगर हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अपने आप ही कम कर देगा। अब मान लेते हैं कोई रेजिस्टर है हमारा या कोई अप्लायंस है, यहाँ इस केस में कोई वायर है, इसके पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस है और ये बहुत देर तक चल रहा है। चल रहा है का मतलब क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, ठीक है। और जितना ज्यादा ये वर्क डन करेगा, मान लेते हैं पर यूनिट टाइम इसका वर्क डन बहुत ज्यादा है, तो इसकी क्या चीज ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी। क्लियर है। और जितनी ज्यादा ये पावर कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा ये क्या निकालेगा, हीट बाहर की तरफ डिसिपेट करेगा। क्लियर हो गया, छोटा सा टॉपिक था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी अप्लायंस में से या इस केस में रेजिस्टेंस में से, तो वो क्या डिसिपेट करता है, डिसिपेट मतलब बाहर छोड़ता है, हीट छोड़ता है या प्रोड्यूस भी कर सकता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। क्लियर है, श्योर। तो हमारा वर्क डन जितना ज्यादा करेगा पर यूनिट टाइम के अंदर, मान लो 300 जूल्स का वर्क डन चल रहा है या 200 जूल्स का है, तो पावर किसकी ज्यादा है, 300। क्लियर है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या बताता है हमारे को, कि क्या है, पावर है, श्योर। और ये पावर ही जितनी पावर ही डायरेक्टली क्या हो छोड़ना, और ये पावर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हीट प्रोड्यूस्ड के। क्लियर है। तो अब वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि वी क्या होता है, डब्ल्यू बाय क्यू, तो W क्या हो सकता है, V इंटू क्यू, है ना। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन T। अभी Q अपॉन T क्या होता है हमारा, I, करेक्ट। तो इस P क्या हो जाता है हमारा, V इंटू I। क्लियर हो गया। तो इसकी हमारी दो अलग अलग इक्वेशंस बन के आएंगी। पहली क्या आएगी, मैं V की जगह लगा दूंगा क्या, I स्क्वायर R हो जाएगा। दूसरा मैं आई की जगह वी अपॉन आर लगा दूंगा, तो इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये पावर की अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब अलग अलग फॉर्मूले, कई लोग पूछते हैं कि अलग अलग फॉर्मूले क्यों पावर के,
तो आप देखोगे इसके अंदर अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं। अगर आपको आर दिया हुआ है और वी दिया हुआ है तो पावर अलग केस में निकलेगी, अगर आपको आर दिया है और आई दिया हुआ है तो पावर अलग केस में निकलेगी, अगर आपको आई दिया है और वी दिया है तो आपको पावर अलग अलग केस में निकलेगी। तीन अलग अलग फॉर्मूलाज हैं तीन अलग अलग केसेस के लिए, तो इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, आपको तीनों फॉर्मूलेस को माइंड में रखना है और मैं इसके ऊपर तीन क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किस फॉर्मूले को किस में पुट करके देखना है। ठीक है, अब हम करेंगे आगे एनर्जी कंज्यूम, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो गाइस अब मेरे को बताना है हीट क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी हमारे रेजिस्टर की जितनी पावर ज्यादा होगी और वो जितनी देर तक काम करेगा उतनी वो हीट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? कई जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं रेजिस्टर्स होते हैं उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, पावर कंजम्पशन, तो वो कम टाइम में ही बहुत हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है 100 वॉट का बल्ब, छोटा सा होता है, 100 वॉट का होता है, 1 मिनट जलाओगे, बंद करोगे, हाथ लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया होगा, तो उसने बहुत हीट प्रोड्यूस कर दी क्योंकि उसकी पावर क्या है, उसके इतनी सी साइज के हिसाब से उसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो कम टाइम में उसने क्या प्रोड्यूस कर दी, हीट। पावर का फॉर्मूला मेरे को अलग अलग यहां से दिख जाते हैं, मैं यहां से वी आई ले लेता हूं तो पावर की जगह मैं क्या लूंगा, वी आई इंटू टी, तो हीट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी आई टी। ठीक है, और भी फॉर्मूला लग सकते हैं मेरे, टी की जगह आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हो, आई स्क्वायर आर टी, और भी लगा सकते हैं वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सारे फॉर्मूलाज हीट के और पावर के दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जब मैं आपको पावर का क्वेश्चन कराऊंगा तो हीट ऑटोमेटिकली निकालना सीख जाएंगे आप, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई बाय टी करना है आपने हीट निकालने के लिए।